हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक ओनिडा का टीवी आया है। देख पाएंगे ये ओनिडा, लेकिन ये ओरिजिनल ओनिडा नहीं है, ये गोदरेज का टीवी है, गोदरेज कंपनी का टीवी है। इसमें गोदरेज में भी यही किट लग के आते हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हम टीवी चालू करेंगे, टीवी चालू कर दिए हैं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कोई भी पिक्चर नहीं है। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम कहाँ कौन से सेक्शन में है। तो आइए हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। पिछले साल तो अपनी दोस्त की शादी में गया था, तो एक एजेंट के साथ 24 टिकट बुक करके मेरे हाथ में दे दी थी। तो देखेंगे हम 180 110 117 वोल्ट ठीक है। ये वर्टिकल वोल्टेज 16 वोल्ट ठीक है, ये -16 वोल्ट ये भी ठीक है, ये DT वोल्टेज है ये भी 28 वोल्ट ठीक है, ये रेगुलेटर है ये भी ठीक है 16 वोल्ट, ये RDO का है ये भी ठीक है। आगे चल के देखते हैं हम 180 ये भी लगभग ठीक है। अब देखते हैं हीटर देख लेते हैं हम। नमस्ते, मैं बागेश्वर, बाजू में गदा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वहाँ से आया हूँ। देखो मेरे 3.8 वोल्ट ये रजिस्टर का पॉइंट है, 3.8 वोल्ट यहाँ भी 3.8 वोल्ट है, लेकिन ये हीटर की जगह यहाँ प्रिंट में मिस्टेक है, ग्राउंड लिखा है यहाँ नहीं आ रहा है, और ये हीटर लिखा है यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ तक आ रहा है यहाँ आ रहा है, तो हमारा ये पॉइंट है यहाँ पे नहीं आ रहा है, आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। तो हो सकता है हमारा वायर ख़राब हो, तो आइए देखते हैं हम दूसरा वायर, ऊपर से एक वायर लगा के देखते हैं कि हमारा हीटर आता है कि नहीं आता है। ये हमने हीटर का एक ऊपर से वायर लगा दिया है और यहाँ भी लगा दिया है हीटर पे। आइए अभी चालू करके देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। तो देख पा रहे होंगे आप, ये स्क्रीन भी आ गया है टीवी का, यहाँ वोल्टेज चेक कर लेते हैं हम। ये देख पा रहे होंगे 3.6 वोल्ट आ गया है, यहाँ पे भी आ गया, और ये हमारा ठीक है आपके बाबूजी की उम्र का लिहाज करके आपको, लेकिन आपसे आदमी को समझा दे, अब मैं समझाता हूँ, स्क्रीन भी आ गया है। तो देखा आपने कि हमने ये नो हीटर का प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया है। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।